सात मंत्रियों की मोदी मंत्रिमंडल से हो गई है छुट्टी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है, संतोष गंगवार की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। इसके अलावा देवश्री चौधरी, बाबुल सुप्रियो बंगाल बीजेपी से दो बड़े नाम, इनकी भी छुट्टी हो गई है, इन्हें भी हटाया गया है। संजय धोत्रे का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा राव साहेब दानवे, सदानंद गौड़ा भी मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में आज के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कौन कौन से नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, कौन कौन से चेहरे बाहर होंगे, इसको लेकर बड़ी अपडेट है हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय के पास। सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। आमोद, अब वो नाम सामने आ गए हैं जिनकी छुट्टी तय मानी जा रही है, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिन सात नामों का आपने जिक्र किया उसके अलावा दो नाम और भी है केंद्रीय कैबिनेट का जिनकी छुट्टी हुई है, हालांकि अभी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। कुल बताया जा रहा है कि 9 लोगों को मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, उसमें से 7 की सूचना मिल चुकी है, 2 की सूचना मिलनी अभी बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए लोग शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होंगे, जो नए मंत्री आज मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, उसमें कुल मिलाकर जिस तरह से महाराष्ट्र को या उत्तर प्रदेश को या उत्तराखंड को या अन्य प्रदेश को साधा गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने जो देखा होगा समीर, कि युवा चेहरों पर बहुत फोकस किया गया है, प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा तरजीह दी गई है, और महिलाओं को भी सहभागिता मिले और जातीय समीकरण बैठे, चूँकि चुनाव 5 राज्यों में है, लिहाजा उस ढंग से ही पूरा समीकरण बिठाया गया है। तो आज की इस कैबिनेट बैठक में जो शाम 6 बजे होगी, मेरी जानकारी है कि 5:15 बजे वहाँ सारे लोग पहुँच जाएंगे राष्ट्रपति भवन, और 5:30 तक वहाँ सिटिंग हो जाएगा, और 6 बजे वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं, और 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह में एक एक नाम, जिनका नाम आप दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, सबको आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने का मौका मिला। चलिए, तो कौन कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, इस पर आपसे विस्तार से बात होगी।